नमस्कार दर्शक मित्रों, और एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है हमारी और आपकी यूट्यूब चैनल में। दर्शक मित्रों, ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये हालांकि लैमिनेशन रिमूव के रिगार्डिंग ही है, लेकिन थोड़ी इसमें जानकारी एक्स्ट्रा है। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है, ये भरूच से डॉक्यूमेंट आया है मेरे पास। तो भरूच हालांकि गुजरात में ही पड़ता है। आगे मेरे और अपने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ऑनलाइन मेरा वीडियो जो भी लोग देखते हैं यूट्यूब के ज़रिए, और मेरा एड्रेस उसी में दिया हुआ है, तो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट मुझे भेजते हैं। ये डॉक्यूमेंट अब आपके सामने मैंने काट के निकाला। चेतन वी वालंद एट पुष्पकुंज सोसाइटी नियर तुलसीधाम जाड़ेश्वर भरूच, ऐसा कुछ लिखा है। अब ये देखो, ये मेन बात है, जो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास आता है रिमूव के लिए, डॉक्यूमेंट रिमूव के लिए, वो लोगों ने कहीं ना कहीं कैसे ना किसी तरीके से ट्राई किया ही होता है, मतलब में उसको प्रयास किया होता है। आपको ये नज़दीक से दिखाने का प्रयास करूँगा। देखो, ये जिसका डॉक्यूमेंट जिसने भेजा है, यहाँ से थोड़ा बहुत प्रयास किया हुआ है, यहाँ से थोड़ा काटा हुआ है, आपको पीछे से पड़ेगा पता, लेकिन वो निकाल नहीं पाते। आपको एक साफ बात बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट लोग रिमूव क्यों नहीं कर पाते। आप मेरे वीडियो में देखते हो मैं आसानी से निकाल लेता हूँ, और आप जैसा घर पे ट्राई करते हो तो आपसे नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? देखो भाई, किसी न किसी काम की किसी न किसी वजह होती है, उसके लिए कोई भी चीज़ मैटर करती है। अगर आप कोई शहर से बिलोंग करते हो, कोई एटमोसफियर से बिलोंग करते हो, तो वहाँ का कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, तो हर एक चीज़ टेम्परेचर पे मेंटेन होती है। कोई काम जो होता है, जो जगह पे सही हो सकता है वही काम दूसरी जगह पे सही शायद नहीं हो सकता है, उस तरह का सेटअप उनको खड़ा करना पड़ेगा। अभी तक के मेरे सारे वीडियो में आपने मुझे देखा लैमिनेशन जो भी डॉक्यूमेंट किया हुआ था उसको रिमूव करते हुए दिखा, ये मशीन देखा। आज मैं आपको मेरा थोड़ा और भी सेटअप दिखा रहा हूँ। समझो कि ये लैमिनेशन मशीन है, और ये लैमिनेशन मशीन से मैं डॉक्यूमेंट रिमूव कर रहा हूँ, और अभी ये डॉक्यूमेंट अभी सामने आपके सामने ये डॉक्यूमेंट मैं रिमूव करने जा भी रहा हूँ। लेकिन लैमिनेशन मशीन आपने अभी तक देखा, ये मुझे देखा, और अभी लाओ मैं कैमरे से आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ऊपर एग्जैक्ट ये मशीन के ऊपर देखो, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, ये यहाँ पे एसी लगा हुआ है, ये मशीन के बिल्कुल ऊपर है। जो इसको जब मैं लैमिनेशन रिमूव करता हूँ तब अभी भी ये एसी ऑन है, और ये जब मैं लैमिनेशन रिमूव करता हूँ ये बिल्कुल ये लैमिनेशन मशीन के ऊपर एसी है। अब मैं वो दिखावा नहीं करता हूँ कि ये मेरी ऑफिस में या शॉप में जहाँ पे काम करता हूँ एसी है, दिखाना होता तो पहले 8-10 वीडियो निकाले उसमें भी दिखा देता, लेकिन ये एसी क्यों दिखा रहा हूँ? अभी मैंने इसको 20 डिग्री की मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर कूलिंग पे रखा हुआ है, तो ये ऑलरेडी मुझे कूलिंग दे रहा है। अब वीडियो में दिखेगा नहीं कि यहाँ पे कूलिंग टेम्परेचर कितना है, ये जो टेम्परेचर है मशीन का जो टेम्परेचर है वो 160 डिग्री पे हम रखते हैं, 160 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जो है वो जो लेमिनेशन का जो लेयर होता है वो लेयर दो लेयर होते हैं। ये जो लेमिनेशन की आप पन्नी देख रहे हो ना, ये पन्नी में एक्चुअली टोटल दो लेयर होते हैं। समझो ये लेमिनेशन का पाउच है, अभी इसके अंदर ये दो लेयर हो गए। कोई भी लेमिनेशन पाउच के अंदर चिपकने के लिए दो लेयर चाहिए, ये दो लेयर हो गए। अभी इसके अंदर भी दूसरे दो लेयर हैं, ये दो लेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये दो लेयर, ये एक सिंगल जो लेयर है इसमें दो लेयर है, ये ऊपर का लेयर अलग है और नीचे का लेयर अलग है। अब ये दोनों लेयर को इतना सटीक तरीके से चिपकाया हुआ होता है कि आप अपनी आंखों से उसको देख नहीं पाते हो कि इसके अंदर दो लेयर है। कोई भी डॉक्यूमेंट होता है लेमिनेशन के अंदर जो आपको एक प्लास्टिक दिखता है ऐसे दो लेयर वाला, तो उसमें टोटल 4 लेयर हो जाते हैं, 4 लेयर, एक इधर का लेयर, एक इधर का लेयर, और बीच में जो 2 लेयर होते हैं वो दो लेयर होते हैं गमिंग के लिए, फिक्सिंग के लिए। तो आपको कौन सा लेयर पकड़ के उसको रिमूव करना शुरू करना है, समझ गए? आप गलत लेयर पकड़ के रिमूव करना शुरू कर देंगे तो डॉक्यूमेंट डैमेज करने का चांसेस है, आपको उसका नॉलेज नहीं है। और ये जो काम है माइक्रो लेवल पे,
आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होता नहीं है, तो आप घर पे जब ट्राई करने जाते हो। दूसरे मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं लेमिनेशन रिमूव के रिगार्डिंग। कोई बंदा है जो यूट्यूब के अंदर ही वीडियो है, इस तरह से आयरन से लेमिनेशन रिमूव करने के प्रयास करते हैं, ठीक है, हीटिंग के बेस पे लेमिनेशन रिमूव हो सकता है, हॉट गन से कोई रिमूव करता है तो इससे भी हो सकता है। लेकिन क्या है, हीटिंग एक पर्टिकुलर किसी भी एक जगह पे हीटिंग मिल जाएगा तो उस जगह से थोड़ा ज़्यादा निकल जाएगा, जहाँ पे कम हीटिंग जाता है वहाँ पे उखड़ने के या वहाँ पे डॉक्यूमेंट बिगड़ने के चांस रहते हैं। अब मेरी बात को समझो, आयरन जो होती है, समझो आयरन का जो इतना भाग होता है, तो इतने भाग में जो कॉयल होती है वो कॉयल इतने ही भाग में होती है, मतलब बीच में एक कॉयल का रॉड होता है, तो जहाँ पे रॉड होता है उस सरफेस एरिया पे हीटिंग ज़्यादा होता है, जो आजू बाजू के बगल के जो किनारे हैं वहाँ पे हीटिंग कम हो जाता है। तो है, ठीक है, हीटिंग के बेस पे आप आयरन से भी लेमिनेशन रिमूव कर सकते हो, लेकिन वो क्वालिटी अगर आपका सही है, डॉक्यूमेंट अगर आपका सही है, डॉक्यूमेंट का क्वालिटी का मतलब जो पेपर की क्वालिटी होती है, वो एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर होता है, स्टैम्प पेपर होता है, या कोई प्रोसेस मटेरियल वाला पेपर होता है, समझो ये पेपर है, ये प्रोसेस्ड पेपर आता है, ये लीगल पेपर जो आता है, लीगल कवर का जो पेपर आता है, इसमें बाकायदा एम्बोसिंग मतलब एग्जीक्यूटिव बॉन्ड की तरह इसकी पेपर की क्वालिटी होती है, इसके अंदर बाकायदा धागे होते हैं, ये प्रोसेस्ड मटेरियल है। तो ये मटेरियल जो होता है इसके ऊपर ज़्यादा कोई डैमेजिंग का चांस नहीं रहता है। लेकिन जो लोकल पेपर होते हैं, जो पेपर कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ कागज है, अगर उसका लेमिनेशन रिमूव करना है तो कागज आप फाड़ेंगे 110% फाड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक क्वालिटी, हर एक तरीके से रिमूव करने का तरीका अलग अलग होता है। बातें मैं चालू में भी करता रहूँगा, अभी मैं ये जिसका आया है डॉक्यूमेंट उसको भी मुझे रिमूव करना है, तो वो भी काम हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली महत्व की बात है कि हाँ, दूसरी एक बात कि मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, जिसके अंदर यूट्यूब के अंदर सिर्फ बोल के, दूसरी कोई भाषा है शायद, कौन सी भाषा है मुझे पता नहीं, लेकिन दूसरी कोई भाषा में सिर्फ बोल के वो गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई ऐसे रिमूव करना है, ऐसे रिमूव करना है, डॉक्यूमेंट को ऐसे रिमूव करना है। और उसमें मालूम है आपको, मैं जानकारी दी, उसके अंदर जो फोटो है रिमूव लेमिनेशन रिमूव के रिगार्डिंग जो फोटो दिखाए गए, वो मेरे शायद 2015 में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, 2015 में लेमिनेशन रिमूव के रिगार्डिंग 15 या 16 में एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं वीडियो के, मेरे वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके उसको एडिटिंग करके उसमें वीडियो में डाले हैं कि इस तरह से लेमिनेशन रिमूव होता है। तो भाई समझो, उनको, उनके पास अगर कोई फॉर्मल परफेक्शन वाला नॉलेज होता है लेमिनेशन रिमूव करने का, तो मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ, मैंने काफ़ी सारे 8-10 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे आपको देखने मिल जाएंगे, ऑलरेडी मैं दूसरे वीडियो भी अब बना के डालूंगा, क्योंकि जो फैक्ट होते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर नॉलेज नहीं रखते हैं, वो लोग वीडियो नहीं बनाते, सिर्फ बातें करते हैं। तो सिर्फ बातें करने से कोई मतलब नहीं होता है। माफ करना, वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ा, क्योंकि जो मेरे साधन सामग्री थे वो मैं लेने का भूल गया था, सीधा वीडियो लेना शुरू कर दिया था। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ कि ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, तो अगर फैक वीडियो होता है, या समझो अगर कोई सिर्फ समझाने के लिए, और अगर कोई यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज लेने के लिए अगर कोई वीडियो बनाता है, तो एक या दो वीडियो बनाते हैं। मैंने काफ़ी सारे पहले के जो वीडियो थे मेरे, उसमें मैंने कमेंट देखे कि भैया फैक है, ये नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को वीडियो बना के ही ज़्यादा डालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं वीडियो ज़्यादा बना के नहीं डालूँगा तो लोगों को भरोसा नहीं होगा कि भाई ये सच में ही ये ऐसे परफेक्टली रिमूव करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, मेरे जो भी वीडियो आप देखेंगे, वो सभी वीडियो में आपको मैं जो रिमूव करता हूँ उसकी टेक्निक, उसका जो परफेक्शन है, वो एक ही तरीके से आपको लिया हुआ दिखेगा। देखो, हम खुद को भी जलना हो जाता है, मेरी उंगलियाँ भी जल गई। तो मेरे भाई, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा
कि ये कोई फैक्ट नहीं है। कोई कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होता है कि जिसको निकालने में इतनी दिक्कत होती है, और ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि ये आसानी से निकल जाता है भाई। टेम्परेचर अगर गलती से भी उंगली रख गए हैं तो सीधा वो फुल्ला, मतलब वो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, इतना बड़ा ऐसा चमटा जैसा हो जाएगा, इतना गर्म है ये। और देखो मैं दूसरी जो एसी की बात बोल रहा था वो बता दूँ, अभी ये यहाँ पे हीटिंग होता है तो हीटिंग के साथ साथ सीधा ऊपर से उसको कूलिंग मिलता है, तो ये सब टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। एसी की कूलिंग के साथ इसका जो मतलब जैसे ही वो हीट होता है, हीटिंग के साथ साथ में वो कूलिंग भी होता है। अब देखो यहाँ पे एक जगह पे थोड़ा डैमेज है, मतलब वो जो बंदा है उसने पहले से जो ट्राई किया था उसकी वजह से ये डैमेज हो रहा है, अब उसको भी हम संभाल के निकाल देंगे। मैं यही सब वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप घर पे ट्राई मत कीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, हम अफोर्डेबल चार्ज लेते हैं, इतना कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लेते हैं, और डॉक्यूमेंट भी आपका सही सलामत रिमूव करके आपको भी भेज देते हैं। देखो ये जहाँ से ट्राई किया वहीं से डैमेज हो रहा है, फिर भी हम उसको संभाल के ही निकाल देंगे भाई। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मुझे इसके लिए, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो तो माफ करना, क्योंकि जहाँ से लोग प्रयास करते हैं ज़्यादातर वहीं से डैमेज होने का चांस होता है। तो मैं मेरे सभी वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप घर पे प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप घर पे गलत प्रयास करते हो तो फिर डॉक्यूमेंट डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। अभी ये देखो जहाँ से उन्होंने प्रयास किया था वहीं से थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट डैमेज हुआ है, अन्यथा कहीं से भी कोई जगह पे जरा सा भी डैमेजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ आप प्रयास करते हो वहाँ पे ज़्यादा हीट हो जाती है या ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस हो जाते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये फोटो है, अब फोटो को तो भी बड़ी सावधानी से निकालना होगा भाई, जिसका फोटो है वो निकलना नहीं चाहिए। अभी मैं ऐसे कर लेता हूँ तो क्या सब लोग थोड़ी कर पाएंगे भाई, नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ सब लोग नहीं कर पाएंगे। माफ करना, शुरू में किसी का फोन आया था तो काट दिया है, अभी उनसे बाद में बात कर लेंगे, पहले ये हमारा काम जिसका है वो निपटा देते हैं, क्योंकि इसको हम आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। और इसमें गलती भी नहीं कर सकते हैं, किसी का भी डॉक्यूमेंट है लेकिन वो है तो हमारी जिम्मेदारी भाई, इसको परफेक्टली रिमूव करके देना वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, तो इसको हम परफेक्टली रिमूव करके ही देंगे। ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट में पहला निकल रहा हूँ, आपको मैं एक बात बताऊँगा, आज से 4 दिन पहले मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया था जो बहुत ही पुराना था, शायद आज से 40-45 साल पुराना डॉक्यूमेंट था, कोई मकान का सैर सर्टिफिकेट था, अब उसको उन्होंने लैमिनेशन करवा दिया था, तो बहुत जगह पे वो लोग घूमे, कहीं पे भी उनका बहुत बड़ा काम रुका हुआ था उसकी वजह से। और ये वीडियो के अंदर शायद मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई वो भाई कमेंट दे, क्योंकि उनका वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि उनका वीडियो अगर बनाता तो शायद 2 घंटे हो जाते, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट रिमूव करने में मुझे 2 घंटे के ऊपर का समय लग गया है, तो इतना लंबा वीडियो भी मैं बना नहीं सकता हूँ, आप देखते देखते थक जाएंगे। तो उनका डॉक्यूमेंट मैंने रिमूव किया, वो भाई खुश हो गए, मेरा चार्ज हो रहा था जितना उससे उन्होंने मुझे ज़्यादा ही दिया, 4,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए खुशी से, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे काम की कीमत की और हमें उनका जो भी काम हो गया ठीक है,
लेकिन उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो के अंदर थोड़ा कमेंट पास करें। देखिए अब ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास जो रिमूव करने आया था उसको हम रिमूव कर रहे हैं और बाकायदा आप देख सकते हो रिमूव होते हुए। तो आप ऐसे करना चाहोगे घर पे या आप ऐसा ट्राई करोगे घर पे तो क्या सोचते हो आप कर पाओगे? अरे भाई नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं करता हूँ कि कोई काम नामुमकिन होता है, कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट आपका ही बिगड़ेगा ना भाई। अगर करना चाहते हो तो करो, लेकिन अगर कोई फालतू डॉक्यूमेंट पड़ा है आपके पास और अगर वो नहीं काम का डॉक्यूमेंट है तो पहले उस पर प्रयास कीजिए, फिर जो काम का डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर ही आप जाइएगा। अभी ये डॉक्यूमेंट एक साइड का हमने पूरा रिमूव कर दिया है। हाँ देखो ऐसा नहीं है कि मेरी दुकान पे मैं अकेला काम करता हूँ, मेरी दुकान पे पूरी टीम काम करती है। आज आपको उनको सबको दिखाते हैं। लाओ दिखाओ जी, पकड़ो कैमरा आप हाथ में पकड़ो। और एक यहाँ के ये सुपरमैन हीरो हैं जो सब यहाँ पे काम करते हैं। मेरा अकेले का काम नहीं है, मेरी दुकान पे पूरी टीम काम करती है और साथ साथ में आपको हम दिखा देते हैं। ये दो ये भाई अभी कैमरे में साफ दिखता नहीं है लेकिन आप इनको भी देख लो। ये सब लोग काम करते हैं यहाँ पे, सिर्फ हम अकेले काम करते हैं ऐसा नहीं है। अच्छा तो चौटी मने हो। देखो आपको मैं बोलना चाहूँगा, चालू कैमरे में ही बोलना चाहूँगा कि आज तो मैं भी चिपक गया। आज जो मैं इतनी संभाल के सब काम करता हूँ फिर भी आज मुझे भी यहाँ पे थोड़ा मतलब क्या बोलते हो हिटिंग हिंदी तो मेरा मदर टंग मेरा गुजराती है ना तो कोई कोई वर्ड हिंदी में नहीं आता है। यहाँ पे थोड़ा मैं वो चिपक गया, जल गया मेरा हाथ यहाँ पे ऐसे जल गया, उंगली जल गई समय कर दे। चलो अब इनका पीछे का भी निकालते हैं। कोई कोई डॉक्यूमेंट होता है तो हमको भी निकालने में बहुत दिक्कत होती है भाई, हमारी भी फट जाती है लेकिन हम डॉक्यूमेंट नहीं फटने देते हैं। लेकिन आज तो बोलना चाहूँगा कसम से मेरा हाथ अच्छे से जल गया है, मेरा ये लास्ट वाला उंगली जो है आज जला है। अभी इतना टेम्परेचर है तो झेलना तो पड़ेगा, क्या करें। अभी वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि आप मतलब अच्छे से देख पाए। दर्शक मित्रों ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम इसमें फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये जो अभी आप स्पीड देख रहे हो ये वीडियो अभी आप 4x की स्पीड से ये वीडियो आपको दिख रहा है, तो ये थोड़ा वीडियो और ज़्यादा ना लंबा हो जाए इसलिए इसको स्पीड में आपको दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है
ये पीछे का पन्नी, ये आगे का पन्नी, यहाँ पे आपको दिखेगा जो फोटो का निशान था वो आपको दिखेगा इस तरह, ठीक है, ये फोटो वाला। अब ये जिसका डॉक्यूमेंट था निकाल दिया परफेक्टली, ठीक है। अब देखिए ये जितना डैमेज हुआ है वो जिन्होंने प्रयास किया था मेरे पास बेचने से पहले जो प्रयास किया था वही जगह से डैमेज हुआ है, तो मैं मना कर रहा हूँ आपको ट्राई करने के लिए। क्यों मना कर रहा हूँ कि एक तो आपको इसका परफेक्शन है नहीं कि आप कैसे निकाल पाओगे, और दूसरी बात कि अगर आप डैमेज कर देते हो तो आप ही का डॉक्यूमेंट डैमेज होगा, आपको इसको निकालने की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट आता है, मैं कसम से बोलता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट आता है जहाँ से प्रयास किया होता है, जहाँ से आपने प्रयास किया होता है, अगर आप आपकी मतलब आप पे हिम्मत ले लेना, इस पर कोई वीडियो ऐसे भी देख रहे होंगे कि जिनको ये आता भी होगा, मेरे कहने का मतलब है जिन्होंने गलत तरीके से प्रयास किया, जिसको इसकी समझ नहीं है, और जहाँ से प्रयास किया है उसी जगह को डैमेजिंग ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि यहाँ से एक प्रयास हुआ है, तो देखिए आप जिस जगह से प्रयास हुआ है वहीं पे थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, अन्यथा आप किसी भी जगह पे देख लीजिए कोई भी डैमेजिंग नहीं है, ठीक है। तो हम इतना ही बोलते हैं कि अगर नहीं समझ आती है तो गलत प्रयास मत कीजिए, डॉक्यूमेंट आपका डैमेज हो जाएगा, हमारे पास भेज दीजिए, हम अच्छे से इसको डॉक्यूमेंट आपका लेमिनेशन रिमूव करके वापस भेज देंगे। बस आज के लिए इतना ही, आगे हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ऑन कीजिएगा, उसमें बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन होगा वो भी प्रेस कर दीजिएगा, आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और किसी को ज़रूरत हो तो फौरन उसको भेज दीजिए। बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।